हाय हेलो फ्रेंड, आज हम आपको मैंगो की आइसक्रीम बनाना बताएंगे जो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। और इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए और शेयर किया करिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून हम चीनी डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम जो है मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद हम आम को छील लेते हैं, तब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है। उसके बाद हम 2 ब्रेड लेंगे, इसको हम मिक्सर जार में इसको भी ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद इसी दूध में डाल के हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। उसके बाद मैंगो को भी हम पीस लेंगे, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये देखिए हमने मैंगो को पीस लिया, जब तक वो ठंडा हो रहा था, अब वो ठंडा हो गया है तो उसको भी इसमें डाल के, मैंगो की पेस्ट में डाल के इसको भी एक बार ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1 ग्लास लेंगे, या आप ग्लास के अलावा किसी में भी चीज़ में जमा सकते हैं, तो ग्लास लेके उसमें पूरा डाल के इसको इस तरह से हम अच्छे से बंद कर देंगे। और एक हम प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे, उसमें भी हम डाल देंगे दोनों तरीके से। इसमें ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देंगे और उसके बाद हम फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। ये देखिए हमारी जम गई है मैंगो आइसक्रीम। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको इस तरह से रोल करेंगे और हमारी ये आराम से निकल जाएगा। ये हम इसको निकाल लेंगे रैपर को, उसके बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल कर इस तरह से कट कर देंगे और इसमें ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल के डेकोरेट कर देंगे। और इसको खाइए बना के, बहुत ही टेस्टी बनती है। बच्चों को भी दीजिए, बच्चे बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं मिला होता है जो मार्केट में आता है उसे, ये अच्छी होती है और प्योर मैंगो की होती है। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी।